उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली जो है वो है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, और इन सब में से, इन दोनों में से जो है वो कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी हमारे लिए, उस चीज़ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इनमें होता क्या है और क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के बनाने का इंजीनियरिंग करने बनाने को कहते हैं। इसके डिज़ाइन करने के अमल में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अहम किरदार अदा करता है, यानी कि हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है चीज़ें स्पेसिफिकली कवर करते हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस में ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं हम, बिल्डिंग डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है हम उस पर भी फोकस करते हैं, एज वेल एज सॉफ्टवेयर बनाने पर, ठीक है। क्योंकि सीएस की जो है एक सब फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस अगर एक घर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें एक कमरा है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें प्रोग्रामिंग पे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग पे जो है हमारी तवज्जो होती है, सॉफ्टवेयर बनाने पे तवज्जो होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हम प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनाते हैं ज़्यादातर। उसके अदर हैंड कंप्यूटर साइंस में जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग के साथ साथ कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर भी जो है हम नज़र डालते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग के साथ साथ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी हम इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। कंप्यूटर साइंस में हम क्या करते हैं, या सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, हार्डवेयर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड हार्डवेयर हमारे पास होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस पे आते हैं तो हमारे पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, यानी हमें ये भी पता होता है कि कंप्यूटर किस तरह बनाने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरह बनाने, कंप्यूटर काम किस तरह करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नहीं देखता कि कंप्यूटर काम किस तरह करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बस हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को देखनी है, कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को नहीं देखनी, अपने सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ कि हम कंप्यूटर पे फोकस करें, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के हार्डवेयर पे भी फोकस करना है, कि हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं पता होना चाहिए, हमें हार्डवेयर का भी पता होना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर के डिजाइन कैसा होगा, उसकी फंक्शनल सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं, डेटा बेस है, यानी कि अगर हम सॉफ्टवेयर पढ़ें तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनर बनेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनेंगे, इनके सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर कंप्यूटर साइंस पढ़े तो हम उसके एल्गोरिथम्स पे भी काम कर सकते हैं, हम डेटा बेस पढ़ सकते हैं, हम AI में जा सकते हैं, हम क्लाउड में जा सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हैं, हम CS यानी कि साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, हम डेटा साइंस में जा सकते हैं, ठीक है, डेटा साइंस पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस जो है एक मदर फील्ड है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी डॉटर है, ये मदर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी डॉटर है, लेकिन कंप्यूटर साइंस अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक कमरा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एक बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसमें एक कमरे के माने थे। उम्मीद है आपको कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में पता लग गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।